चैनल आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द प्लेस जिसे कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया मतलब मध्य प्रदेश। सो आज मैं आई हूँ मध्य प्रदेश के सबसे पॉपुलर प्लेस खजुराहो में एंड आज मैं आपको घुमाऊंगी मेरे साथ खजुराहो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। खजुराहो एक कहानी है, एक जीवन का सत्य है, जिसका पहला पहलू है धर्म। स्वयं द्वारा स्वयं की खोज है धर्म, हृदय की पवित्रता है धर्म, इंसान को मानवता की ओर प्रेरित करता है धर्म। इसका दूसरा पहलू है अर्थ। अर्थ के बिना, धन के बिना संसार का कार्य चल ही नहीं सकता। मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति का एकमात्र साधन है अर्थ। जीवन की प्रगति का आधार है अर्थ। इसका अगला पहलू है काम। आत्मा के संयुक्त मन से शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध में अनुकूल रूप से उत्पन्न हुई प्रवृत्ति है काम। मतलब आत्मा बुद्धि के द्वारा निर्मित विषयों को भोगते हुए सुख का जो अनुभव करती है वही है काम। जीवन का अंतिम पहलू है मोक्ष। आत्मा को अमर कहा गया है। जब हमारी आत्मा इस शरीर में प्राप्त भोग को समाप्त कर बंधन मुक्त हो जाती है वो है मोक्ष। मानव जीवन की, हमारी आत्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है मोक्ष। इसीलिए खजुराहो एक एहसास है जो हमें जिंदगी से मिलवाता है। आओ इसे साथ में तय करें। लक्ष्मणा टेम्पल। सो नाम से ऐसे लगता है कि ये लक्ष्मण भगवान का टेम्पल होगा, बट नहीं। वाई दिस टेम्पल इज कॉल्ड एज लक्ष्मणा टेम्पल? बिकॉज इट इज बिल्ट बाय अ किंग लक्ष्मणा। सो नाउ आई विल शो यू हाउ द टेम्पल इज। सो द फर्स्ट थिंग, दिस इज कॉल्ड एज चंद्रमा। सो इसको चंद्रमा इसलिए कहते हैं बिकॉज जब भी हम मंदिर से अंदर आए हमें हमारा मन और शांत और पवित्र करके अंदर आना होता है। सो नेक्स्ट इफ यू सी, इसको बोलते हैं मकर तोरण। सो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्रोकोडाइल फेस टाइप बना हुआ है जहाँ से गंगा जी का फ्लो दिखाया हुआ है। दैट मीन्स कि हम अंदर आ रहे हैं तो अपनी आत्मा को पवित्र करके अंदर जा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अर्धमंडप।
सो इसको अर्धमंडप बोलते हैं। सो चंद्रमा देन मकर तोरण से आत्मा को शुद्ध करके हम अंदर आए अर्धमंडप में, फिर हम जाएंगे पूर्ण मंडप की तरफ। ओके, सो अर्ध मंडप से पार होके हम पहुंचे हैं पूर्ण मंडप। तो पुराने जमाने में ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे नर्तिकाएं परफॉर्म करती थी, तो उनके लिए स्टेज काइंड ऑफ थिंग बनाया गया है। सो दिस इज पूर्ण मंडप, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये है अंतराल, और अंतराल से अंदर देखेंगे तो वो है गर्भगृह जहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति स्थित करी गई है। सो वो विष्णु जी की मूर्ति स्थापित की गई है। लगाते हैं उसी तरह की टेंपल को बुरी नजर से बचाने के लिए उसका बॉटम में ये मॉन्स्टर काइंड ऑफ डिजाइन बनाया गया है। उसके ऊपर बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, योद्धाएं हैं। सो व्हाई? बिकॉज एलिफेंट पावर दर्शाता है। सो इसीलिए एलिफेंट्स की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, वॉरियर्स है, फैमिली लाइफ बताया गया है। Thank you.
जैसे कि हमने देखा था कि बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक एलिफेंट है जिसको बोला जाता है लाफिंग एलिफेंट। सो वाई, अगर बाकी सारे एलिफेंट्स आप देखोगे तो वो एकदम स्टेडी है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। बट इफ यू लुक एट दिस एलिफेंट, कि ये ऐसे लग रहा है कि ये हंस रहा है। और ये क्या देख के हंस रहा है? तो यहाँ पे देर इज काम सूत्र के कुछ पोजिशन है, कुछ इमेजेस है, तो इट सीम्स लाइक ही इज लुकिंग एट दैट एंड लाफिंग। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लाफिंग एलिफेंट। में स्त्री को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। कहीं वो किसी की वाइफ है, कभी वो कभी माता है, कभी वो सहेली है, कभी वो प्रेयसी है, हर एक रूप को, हर एक रिश्ते को जीवन के बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है इन्हीं मंदिरों में। सो जन्म से लेके मोक्ष तक का रास्ता, पूरा जीवन काल, पूरा जीवन का अर्थ हमें ये सारे टेम्पल्स पे देखने मिलेगा। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्लेस, एंड बिकॉज इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस, यू नीड टू फील दिस प्लेस। कि मैं बता के कहानियों में, फोटोज़ देख के, वीडियोज़ देख के आप ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप इसको फील नहीं कर सकते। सो टू फील द वाइब ऑफ दिस प्लेस, यू शुड कंसिडर विजिटिंग खजुराहो वंस इन योर लाइफ टाइम।